फिर से स्वागत है मेरे चैनल रोबस बाज़ार पे। आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट स्टॉक के ऊपर। अंबुजा सीमेंट में सितंबर मंथ में काफ़ी एक बड़ी उछाल आई है और बड़ी उछाल आने के साथ साथ स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स के आगे क्या टारगेट्स बनेंगे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट ने अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया है। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो 572 उसका अब लाइफ टाइम हाई हो गया है। 572 इट मीन स्टॉक में अगर जिन्होंने पहले इस स्टॉक को ख़रीदा हुआ है काफ़ी नीचे रेट से, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहें। जब तक कोई हमें ठोस रीज़न या बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव कोई हमें रीज़न नहीं मिलता है, तब तक इस स्टॉक से आपको बाहर नहीं होना है। इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे टारगेट्स आगे आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। मे बी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आगे आने वाले कुछ समय में इसमें आपको 600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं आराम से। जब तक हमें कोई ठोस रीज़न नहीं मिलता इसके डाउनसाइड का, तब तक हमें इसमें बने रहना है और मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी मोमेंटम में आए स्टॉक। तो कल के लिए अगर किसी को कोई ये अंबुजा सीमेंट में अगर कोई नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो 572 का लेवल ब्रेक होने के बाद इस स्टॉक में एक फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है फॉर द फर्स्ट टारगेट 600। तो इस स्टॉक में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम में आया, तो इस मोमेंटम को आपको गेन करके चलना चाहिए। आपको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।